मोहब्बत दोस्ती जिंदगी पे तो सब बोलते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हॉस्टल, हॉस्टल लाइफ और रूममेट्स पे कुछ बोला जाए। यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट सब हॉस्टल में रहते होंगे, कितने रहते हैं जरा बताइए। बहुत बढ़िया, ये मैंने लिखा तो अपने ऊपर है बट आई कैन से ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिलेट टू इट। अपनों का आशीर्वाद और सपनों का भार लेकर मैं आई थी। अपनों का आशीर्वाद और सपनों का भार लेकर मैं आई थी किसी अनजान सी जगह को अपना दूसरा घर बनाने मैं आई थी। पहली दफा अपनों से मिलने को कराती थी इंतजार करती थी। पहली दफा अपनों से मिलने को कराती थी कि सही मायनों में हॉस्टल में रहने को मैं तैयार थी। अगर इस बात से और आगे की पंक्तियों से आप सहमत होंगे तो साथ दीजिएगा। यहाँ ना ही तो अपनों की पाबंदी थी, ना ही अपनों का वो प्यार था। यहाँ ना ही तो अपनों की कोई पाबंदी थी, ना ही अपनों का कोई प्यार था, ना ही माँ के हाथों का स्वाद था, ना ही बाकी घर वालों का दुलार था। ना स्कूल फ्रेंड्स का साथ था, ना ही छोटे भाई के साथ रिमोट के लिए तकरार थी। सही मायनों में हॉस्टल में रहने को मैं तैयार थी। ये तीसरी पंक्ति मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस तरह से है। शुरू के दिनों में कमरे में बहुत रोया करती थी। शुरू के दिनों में कमरे में बहुत रोया करती थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुतों की यही हालत होया करती थी। बाहर हंसी का मुखौटा बांध अंदर से दिल में कतराती थी, पर सही मायनों में हॉस्टल में रहने को मैं तैयार थी। अब आगे की ये कुछ पंक्तियाँ, जब कुछ दिन बीत जाते हैं, सब रूममेट्स दोस्त बन जाते हैं और आप लोग घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में, अब एक दूसरे के सहभागी होने लगे थे, वो एक दूसरे के साथी होने लगे थे, वो एक दूसरे के सहभागी होने लगे थे, वो एक दूसरे के साथी होने लगे थे। किसी एक के बीमार पड़ने पर बाकी सब उसकी मम्मी बनने लगे थे। वो सब बहुत सारे दिल और एक जान होने लगे थे। एक के खाना ना खाने पर उसको हक से डांट डपटने लगे थे। हर एक काम वो एक दूसरे को पूछ के बता के करने लगे थे। दिल टूटा एक का भले ही हो पर सहारा हर कोई देने लगे थे। तो वही किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उससे ट्रीट भी मांगने लगे थे। सही मायनों में वो हॉस्टल के वासी होने लगे थे। आफ्टर मिक्सिंग अप विथ एवरीवन सब में कुछ कुछ चेंजेस आती हैं। बॉयज भी सब अपना अपना उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। वो एक दूसरे के साथ मदमस्त रहने लगे थे। कई तो नई नई चीजें चखने लगे थे। अपनी बहन को कबूर में हाथ ना लगाने देने वाले भी जरूरत पड़ने पर अपने कपड़ों से लेकर जूतों तक सब शेयर करने लगे थे। अब सही मायनों में वो जिंदगी को समझने लगे थे। अब सही मायनों में वो हॉस्टल में रहने लगे थे। रात के 3 बजे तक वो ढेरों बातें बतियाने लगे थे, या यूं कहूं गप्पे मारने लगे थे। सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं, कई बार बॉयज बीचिंग भी करने लगे थे। कि कैसे रहे पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में ये उन्मत्त सीखने लगे थे। अब सही मायनों में वो हॉस्टल में रहने लगे थे। ये आखिरी की कुछ पंक्तियाँ जो शायद आप सब समझ सकते हैं और हॉस्टलाइट्स तो एक्सपीरियंस भी करते होंगे। जो उस अनजान सी जगह को अपना दूसरा घर बनाने आए थे, घर के साथ उधर रहने वालों को अपना दूसरा परिवार बनाने लगे थे। अब छुट्टियों में इस परिवार को छोड़ अपने घर जाने पे रोने लगे थे। वो सब सिर्फ रूममेट्स नहीं, सोल सिस्टर्स बनने लगे थे। सोल सिस्टर्स बनने लगे थे
वो सही मायने में हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने लगे थे और वो हॉस्टल में रहने लगे थे। थैंक यू।